जदयू की क्या औकात है बीएसपी के सामने में? किसी दलित को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, उसके लिए लॉबिंग करना चाहिए सभी लोगों को, तो आप झूठ मूठ का खाली रैली में पार्टी में कहते हैं हम दलितों के लिए ये किए, आरक्षण के लिए ये किए, संविधान के लिए ये किए। दलितों को इग्नोर करके कुछ हो नहीं सकता है। दलित को इग्नोर कर, दलित मुसलमानों को भी इग्नोर किया, दलित मुस्लिम सबको इग्नोर किया। बताइए ओवैसी साहब को भी नहीं अति किया गया। आप सब चोर जैसा मीटिंग कर रहे हैं और चोरखट जैसा व्यवहार कर रहे हैं। मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, मगर भाजपा में नहीं जाएंगे। क्या हुआ, गए कि नहीं गए? जदयू नहीं रहा है भाजपा के साथ क्या? आप कह रहे हैं कि भाजपा को मदद करिए, ये कब पलट के फिर भाजपा में चल जाएंगे? नीतीश कुमार जी इसका कोई गारंटी है? 23 जून को पटना में विपक्षी एकता को लेकर बड़ी बैठक होने वाली है, लेकिन बीएसपी इसमें नहीं पहुंच रही है। बीएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात को ऐलान कर दिया कि 2024 में अकेले चुनाव लड़ेंगे और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के नेता अमर आजाद हैं, इनसे जानेंगे कि आप लोग ऐलान कर देंगे बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। बिल्कुल, देखिए देश की राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा है बहन कुमारी माया, 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और वो एक दलित हैं, अनुसूचित जाति से आती है। अरे इतना तो सब कोई बना ही है, तब पर भी देश का जो ग्रोथ है, देश में बेरोजगारी है, अशिक्षा है, किसी दलित को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, उसके लिए लॉबिंग करना चाहिए सभी लोगों को, तो आप झूठ मूठ का खाली रैली में पार्टी में कहते हैं हम दलितों के लिए ये किए, आरक्षण के लिए ये किए, संविधान के लिए ये किए, आप कहाँ कर रहे हैं? आप अगर आपको रहता दलितों से प्रेम रहता तो आप लोग कहते कि हाँ एक महिला है, देश की कद्दावर शक्तिशाली लीडर हैं बहन माया, तो उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए। और आप सब चोर जैसा मीटिंग कर रहे हैं और चोरखट जैसा व्यवहार कर रहे हैं दलितों को। अरे तो ये सब जो मीटिंग बैठक उठक सब हो रहा है 23 तारीख को पटना में, सब लोग जुट रहे हैं। देखिए नहीं बुलाया गया, इसीलिए आप लोग चलो बुलाने का क्या बात है? अरे देश की राष्ट्रीय पार्टी है, बताइए जदयू की क्या औकात है बीएसपी के सामने में? क्या औकात है बताइए, कि कौन सा स्टेट में कितना वोट बैंक है जदयू का या आरजेडी का, बताइए। जदयू का मुख्यमंत्री है बिहार। अरे मुख्यमंत्री है, उससे मुख्यमंत्री 4 बार बहन जी रही हैं, उनका कई लोकसभा में एमपी रहा है, कई स्टेट में विधायक है, तो ऐसा नहीं। देखिए दलितों को इग्नोर करके कुछ हो नहीं सकता है। दलित को इग्नोर कर, दलित मुसलमानों को भी इग्नोर किया, दलित मुस्लिम सबको इग्नोर किया। बताइए ओवैसी साहब को भी नहीं अति किया गया, तो दलित मुस्लिम को आप इग्नोर करके आप चाहिएगा कि देश की कुर्सी तक, देश का प्रधानमंत्री का कुर्सी, तो ये असंभव वाली बात है। दलित मुस्लिम आदिवासियों को आप अगर छोड़ करके राजनीति करिएगा तो लोग जनता समझ रही है, और हम लोग का प्रधानमंत्री अकेले आप लोग क्या ही कर पाइए? अकेले क्या है, अकेले हम लोग का उतना ताकत है, हम लोग के साथ आना पड़ेगा इन सबों को, तब जाके कुछ हो सकता है, नहीं तो कोई प्रभाव नहीं पड़े। कितना भी आप मीटिंग कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, स्टालिन आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, ममता बनर्जी आ रही है, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम लोग। क्या इनको डर है बहन कुमारी मायावती जी से? डर है इसलिए ये सब डरते हैं, कि देश की कद्दावर नेता हैं और डर लगता है कि अगर वो आएंगी उनको बुलाया जाएगा तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार उन्हीं को घोषित, वो सीनियर भी हैं, सीनियर लीडर हैं और इतना वोट बैंक, तो ये सब दलितों से भेदभाव रखते हैं, इससे यही समझ में आता है। दलित के नेता उधर भी मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और आदिवासी के नेता हेमंत सोरेन आ रहे हैं, तमिलनाडु से स्टालिन आ रहे हैं, अब क्या चाहिए? नहीं देखिए अब दलित कहाँ, बताइए दलित के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का खड़गे दिए, पर वो किनके कंट्रोल से चल रहे हैं आपको पता ही है कि क्या है। तो हम कहेंगे किसी भी दलित को प्रधान, भाजपा को जिताइए ना, भाजपा को जिताने की इसमें क्या बात है, बताइए भाजपा को इसमें जिताने की क्या बात है? मैंने आप लोग संविधान आरक्षण और ये सब का डर दिखा करके और मुसलमानों का डर दिखा करके भाजपा से, ये सब नहीं चलेगा राजनीति में। देखिए और कौन ऐसी पार्टी भाजपा के साथ, जदयू नहीं रहा है भाजपा के साथ क्या? आप कह रहे हैं कि भाजपा को मदद करिए, ये कब पलट के फिर भाजपा में चल जाएंगे? नीतीश कुमार जी इसका कोई गारंटी है? अब तो गारंटी है, अरे कोई गारंटी है, मर जाएंगे लेकिन भाजपा कहे मर जाएंगे, पहले भी बोले हैं मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, मगर भाजपा में नहीं जाएंगे। क्या हुआ, गए कि नहीं गए? तो वो अपनी सुविधा और कुर्सी के अनुसार कहीं भी एडजस्ट कर लेते हैं, इसमें चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी एनडीए हो, चाहे यूपीए हो, कोई फर्क उन लोगों को नहीं पड़ता। ओवैसी की बहन जी की और
अब तो माझी जी चलेगा एनडीए के साथ, तो आप लोग गठबंधन कीजिएगा साथ में? बिल्कुल, हम लोग जो समान विचारधारा वाली पार्टियां हैं और जो दलित मुस्लिम की आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टियां हैं और सामाजिक न्याय की पार्टियां, उन लोगों के साथ हम लोगों का, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जी प्रयास करके उन लोग गठबंधन कर सकते हैं, इसका वही लोग ऐलान करेंगे। पर हम लोग की इच्छा है कि जो भी ऐसी पार्टियाँ हैं जो मुस्लिम दलित बेस्ड पार्टियाँ हैं, उनको हम लोग साथ ला करके चुनाव लड़ा जाए ताकि हम लोग का अच्छा रिजल्ट हो। चलिए, तुम्हारे साथ हमारा आजाद थे, इनका कहना है कि बहन जी उस लायक हैं कि उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए, लेकिन इसी डर से उनको महागठबंधन बैठक में नहीं बुला रही है कि अगर बहन जी आएंगे तो ऐलान करना पड़ेगा कि बहन जी प्रधानमंत्री का चेहरा होंगी, इस डर से नहीं बुलाया जा रहा। और नीतीश कुमार की क्या औकात इन उनका है, नीतीश कुमार का कितना जनाधार है पूरे देश में उसको सबको पता है, जोड़ घाटा होकर के मुख्यमंत्री बनते रहते हैं और इनकी कोई गारंटी नहीं है कि कब ये बीजेपी के साथ चले जाए। बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फेसबुक पर देखते वीडियो शेयर कीजिएगा, यूट्यूब देखना चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।